आपका क्वेश्चन है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, अब आपका व्हाट इज tan 2a. ठीक है, tan 2a क्या होता है आपका, लिखते हैं यहां पर tan 2a दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका cot 90 डिग्री माइनस 2a. 90 डिग्री माइनस 2a इज tan 2a. ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज. ठीक है, तो क्या हो गया, therefore 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्रीज. ठीक है, a को एक साइड में कर लो और एंगल को एक साइड में कर लो तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a. तो a प्लस 2a कितना होता है 3a और 90 प्लस 18 कितना हुआ 108 डिग्रीज. तो a हमारा कितना हो गया 108 बाय 3. कट करोगे तो आपका आएगा 36 डिग्रीज. ठीक है, तो हमारा आंसर आया a इज इक्वल टू 36 डिग्रीज. ठीक है, आपका क्वेश्चन है इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. ठीक है, व्हाट इज tan a, क्या हुआ आपका व्हाट इज tan a. तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है हमारा cot 90 माइनस a. ठीक है, इस वैल्यू को हम इसमें डालेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा cot 90 माइनस a मीन 90 डिग्री माइनस a माइनस a इज इक्वल टू cot b. cot b, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका cot cot खत्म, क्या बच गया आपका 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b. a को राइट साइड में लेकर आएंगे तो हमारा आएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू b प्लस a. तो अगर इसको अरेंज करोगे तो आपका आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ठीक है, हेंस प्रूव. ठीक है, आपका क्वेश्चन है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्रीज वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, अब व्हाट इज sec 4a, sec 4a क्या होता है हमारा, sec 4a इज इक्वल टू क्या होता है cosec 90 डिग्री माइनस 4a, cosec 90 डिग्री माइनस 4a. ठीक है, इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस 4a दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका cosec a माइनस 20 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे क्या है एक्यूट एंगल्स. जब ये एक्यूट एंगल है तो क्या हो जाएगा, therefore 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्रीज
एंगल एक साइड में लेकर आ जाओ, आपका आ जाएगा 90 डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज इज इक्वल टू ए प्लस 4a, तो 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 5a, तो क्या हो गया a इज इक्वल टू 110 डिग्री बाय 5, कट करोगे तो आपका आएगा 2 and 2, तो a क्या हो गया हमारा 22 डिग्रीज, दैट मींस एंगल a इज 22 degrees.